क्या हो गया? अरे ये नंबर पे फोन लगा, वो बंगाली बाबा का है, बीबी को वश में करने का उपाय। तेरी मम्मी बहुत कंट्रोल में रखती ना मेरे को। अरे पापा क्या इन चक्करों में पड़ रहे हो? फोन लगा सीधे। लगा रहा हूँ। मेरे पे जो बीतती वो मैं जानता हूँ। हेलो हेलो, आप बंगाली बाबा से बात हो सकती है? हाँ बात तो हो सकती है, लेकिन आधे घंटे बाद होगी। अभी वो कपड़े धो रहे, इसके बाद बर्तन धोएंगे, समझे? हंस क्यों रहा है? बंगाली बाबा खुद उनकी बीवी के वश में। अरे मेरा बाप। अभी कपड़े धो रहे, उसके बाद बर्तन मांजेंगे। आए थे बड़े मम्मी को वश में करने वाले। हम छोड़ चुके हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। क्या हो गया? बीमार बन के क्यों घूम रहे? अरे गैस हो गई रे, मैं तो चला जाऊंगा सब छोड़ के। गैस हो गई। सुबह नाश्ते में एक आलू बड़ा, एक ब्रेड पकौड़ा और एक समोसा, पांच तली हुई मिर्ची नमक के साथ। उसके बाद खाने में चावल, दाल, पराठे और आलू की सब्जी। अरे मेरा बाप। गैस नहीं होगी तो क्या होगी? हम छोड़ चले हैं महफिल को। आए हमको गैस की दवाई देके, नहीं तो जलते रहेंगे। अरे कुछ नहीं रखा है साहब जिंदगी में, जिंदगी ये घर में घर है कि तुम्हारे क्रिकेट खेलने की जगह है? तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो, जिंदगी जो है ना वो अब की है। ये क्षण जो आपने जिया वो जिंदगी है, बस अगले पल का सोचोगे। 25-25 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लंबा मत सोचो, ये जो है बस यही जिंदगी। अरे मेरा बाप। भैया भाभी बोल रही हो दाल बाटी बनाने क्या? अब दाल बाटी बनाएंगे अपन संडे के दिन। तो पापा वो आलू के पराठे बनवा ले। अगले दिन भात खाएंगे, अभी अपन खाएंगे मेथी के पराठे। तो आप ज्ञान दे रहे थे कि जो जिंदगी आज की है भविष्य का मत सोचो। अभी रात में मर गए तो रहेगा तुम्हारे मेथी के पराठे? साले बाप के मरने की दुआ बताओ। रुको रुको रुको।